सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से पहली कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आकांक्षा का पाठ 6 पढ़ेंगे, जो पृष्ठ नंबर 22 पर है। अपनी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 22 पर आइए। पाठ 6, री की मात्रा। हिंदी वर्णमाला में जो हमारे 11 स्वर हैं, उनमें से एक स्वर री है। ये आज हम इसकी मात्रा पढ़ेंगे इस पाठ में। री की मात्रा, ये री की मात्रा का चिन्ह है जो अक्षरों के पैर में हमारे हाथ की दाहिनी ओर लगता है। आइए इससे बने कुछ शब्द पढ़ते हैं और इसका प्रयोग देखते हैं। अक्षर और मात्रा को मिलाकर पढ़िए। ग जमा री जमा ह बराबर ग्रह। व जमा री जमा छ बराबर वृक्ष। क जमा री जमा श जमा क बराबर कृषक। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ग के पैर में ये री को लगाया गया है, तो ये क्या बना है? ग्री। जब इस ग्री के साथ हमने ह जोड़ा तो ये बना ग्रह। इसी प्रकार ब के पैर में ये री का चिन्ह जोड़ा गया है, तब ये बना है वृक्ष। ओके, री की मात्रा के कुछ और शब्द पढ़ते हैं। इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। आप मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। नृप, मृत, घृणा, तृण, कृषि, तृतीय, कृपा, कृति, मृदुल, ऋषि, गृहिणी, अमृत, हृदय, आकृति, पृथक। बच्चों, इन शब्दों में जो पिंक कलर की ये मात्रा का चिन्ह आपको दिख रहा है, ये री की मात्रा है, जो किस तरफ लगी है? हमारे हाथ की दाहिनी ओर। अब हम पढ़ेंगे री की मात्रा से बने कुछ वाक्य। पढ़कर समझिए और लिखिए। कृषक कृषि कर, मातृभूमि का हृदय से आदर कर, ऋषि आश्रम पर चल, वृक्ष मत काट, मृग पानी पी, मृणाल ऋषि का हृदय मत दुखा, नृप का आदर कर, घृणा मत कर, मृग तृण चर, मृदुल अपना काम पृथक पृथक कर, कृति वृक्ष पर मत चढ़, ऋचा आ वृक्ष की आकृति बना, भगवान हम पर कृपा कर। बच्चों, ये कुछ वाक्य थे जो हमने पढ़े, जिसमें हम देख रहे हैं ये पिंक कलर की जो मात्रा लगी है, ये री की मात्रा है। ये देखिए, अब हम पृष्ठ नंबर 23 पर आएंगे, अपनी अभ्यास माला देखेंगे। बच्चों, अगले पृष्ठ पर आइए, पृष्ठ नंबर 23। आओ अभ्यास करें। प्रश्न क, अक्षरों का क्रम बदलकर सही शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें सही क्रम में लिखना है। जैसा पहला हमें उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर ये लिखा है प और न, न अक्षर के पैर में र है, तो ये इस शब्द को जब हमने सही क्रम में लिखा है तब ये बना है नृप। इसी प्रकार हमें बाकी शब्दों को करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस शब्द को यहाँ पर उल्टा करके लिखा गया है, जब हमने इसको सही करके लिखा है तो इसको सीधा करके लिखा है। इसी प्रकार हम लिखेंगे, तो शब्द उल्टा लिखा हुआ है, इसको हम सीधा किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्र, फिर थ, उसके पश्चात हम लिखेंगे क, पृथक। इसी प्रकार बाकी शब्द लिखे जाएंगे।
यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है तो हम यहां से शुरू करेंगे अ नृ त, तो ये शब्द बनेगा अमृत। ओके, अब हम देखते हैं प्रश्न ख। प्रश्न ख, वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं जिसमें हम री की मात्रा का चिन्ह जोड़कर शब्द बनाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, व अक्षर के पैर में जब हमने री की मात्रा लगाई और उसके साथ छ को जोड़ा तो ये क्या शब्द बना है, वृक्ष। इसी प्रकार हम दूसरा शब्द लिखेंगे, क लिखेंगे, क के पैर में हम ये री की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद ये पा अक्षर जोड़ेंगे, कृपा। ये क्या शब्द बना है बच्चों, कृपा। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न ग। प्रश्न ग, सही स्थान पर री की मात्रा लगाइए। बच्चों हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में हम ये री की मात्रा लगाएंगे। यहाँ एक उदाहरण आपको दिखाया गया है, ये घना शब्द है और इसमें हमने जब ये री की मात्रा लगाई तो ये शब्द बना है घृणा। इसी प्रकार हम दूसरा शब्द देखते हैं, क पा ण, जब हम इसके पैर में री की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा कृपाण। ओके बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न घ। घ, चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। आपको यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन चित्रों की सहायता से हमें ये वाक्य पूरे करने हैं। किसी का हृदय मत दुखा, ये चित्र किसका है, हृदय का। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या शब्द लिखा गया है, हृदय। यहाँ आप दूसरा चित्र देख सकते हैं, किसान का है जिसे हम कृषक भी कहते हैं, तो यहाँ पर क्या शब्द आएगा, कृषक। कृषक कृषि कर। ओके बच्चों, आपको यह पाठ एक बार और पढ़ना है, उसके पश्चात आप दी गई अभ्यास माला को समझाए गए तरीके से अपनी पुस्तक में करने का अभ्यास करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। आप समझ चुके हैं कि री की मात्रा को हम किस प्रकार अक्षरों में लगाते हैं और इसकी पहचान क्या है बच्चों, हम इसे अक्षरों में अपने दाहिनी ओर लगाते हैं। ये जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा, ये दाहिनी ओर लगाते हैं। ओके, यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।